अखंड भारत महासंघ की बैठक हुई संपन्न, की प्रेस वार्ता। दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में अखंड भारत महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया, उसके बाद प्रेस वार्ता की गई। बुधवार को बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार विराट ने कहा कि एकता अखंडता की मजबूती के लिए धार्मिक एवं सामाजिक समरसता पर बल देते हुए कहा कि भारत के संविधान में सभी धर्म एवं जातियों को समानता का अधिकार दिया है। किसी को भी धर्म एवं जाति के आधार पर शोषित पीड़ित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया, सभी धर्मों का सम्मान एवं सामाजिक समरसता भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा ही हमें विश्व गुरु बना रही है। वर्तमान में धार्मिक एवं जातिगत कट्टरता हमारी एकता को खंडित कर रही है। आज की युवा पीढ़ी पर भारत की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा एवं राष्ट्रीय विरोध कृतियों की विरोध मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुखपाल सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री एवं एडवोकेट मोहित बजाज को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत कर एक माह के अंदर प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश का अधिवेशन 19 दिसंबर 2021 को करने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र राघव ने किया एवं कार्यक्रम में अजब सिंह, लाल वाल्मीकि, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार प्रजापति, विजय कुमार, अकबर अली, नन्ने राहुल, अमित कुमार, होरम सैनी आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिवाय हम लोगों ने, चाहे भगत सिंह हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, इसके अतिरिक्त शिवाजी से लेके महाराणा प्रताप हो, सभी लोगों से हमें सीखना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक नहीं हमको आजादी दिलाई है या एक नहीं हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैं खुद एक अधिवक्ता हूं और बड़ा हर्ष का विषय है कि भारत में साइबर क्राइम में डील करने वाला कोई अधिवक्ता नहीं है इस समय, जो लीगली तरीके से प्रॉपरली डील करता हो। तो मैं चाहूंगा भारत को, मैं भी हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के करकमलों पर चलकर आईटी के कई ऐसी धाराएं, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। आज किसी बहन बेटी की इज्जत उसके घर में जाके या उसको उठा के नहीं लूटी जाती, फेसबुक पे उसकी फर्जी आईडी बना के लूट दी जाती है। आज किसी के साथ अपराध उसकी जेब में हाथ डाल के पैसा निकाला नहीं जाता, ना ही उसके घर में चाकू और बंदूक की नोक पे उसको लूटा जाता है। आज मोबाइल के माध्यम से उसे लूट दिया जाता है, एक ओटीपी उसको लूट लेता है। तो जो समय के अनुसार बदलाव है, भारत को खंडित होने से बचाने के लिए हमें ये तकनीकी उपकरणों को अपनाना पड़ेगा और समय रहते इन सभी चीजों को हमें स्वीकारना होगा। और आज बहुत जरूरी है कि हम आप इन चीज को समझें और समय रहते जो ये तकनीक हो गई है कि अपराधी अपराध कर रहा है लेकिन उसका कोई सबूत नहीं बचा, उसको पकड़ने के लिए अभी भारत इतना सशक्त नहीं है, तो वो भी एक संगठन के लिए एक मूल उद्देश्यों में हमने शामिल उसे किया है। धर्म जात में बंटने वाले, अगर आज मैं पीले वस्त्र धारण करके आ जाता तो आप लोग कहते कि ये हिंदुत्व संगठन है। आज अगर मैं हरा पहन के आ जाता और गलती से टोपी लगा लेता तो शायद उसके लिए भी कमेंट बहुत हो रहे हैं आजकल। देखिए, टोपी क्यों ना लगाएं, धूप से बचने के लिए भी टोपी लगाते हैं। हो सकता है उम्र अभी मेरी कम है, थोड़ी बीत जाएगी, बाल निकल जाएंगे बीच में से, किसी को दिखाई ना दे मैं टोपी लगाऊंगा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है, खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।